दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सबकी चिंता बढ़ा रहा है। कई दिनों से दिल्ली के आसमान पर सुबह कोहरा और धुंध छाया रहता है। दिल्ली के हवा में बढ़ता प्रदूषण आम जनजीवन पर भी अब असर डालने लगा है। स्कूल बंद हो गए हैं और दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी गई। दिल्ली में ग्रे 4 की मध्य से लागू करने के बाद भी दूषित हवा साफ नहीं हो पा रही। दिल्ली के साथ साथ भोपाल भी इस प्रदूषण से बच नहीं पा रहा। लोगों को साफ सुथरी हवा आखिर कब नसीब होगी, देखिए हमारी सपोर्ट में। दिल्ली में इंडिया गेट, कुतुब मीनार, यमुना ब्रिज शायद ही आपको दिखाई दे। आगरा का ताजमहल भी गायब हो रहा है क्योंकि प्रदूषण इनकी खूबसूरती को ढकता जा रहा है। प्रदूषण का ना तो कोई और है ना कोई छोर। राजधानी दिल्ली से लेकर आगरा, भोपाल सभी जगह से बढ़ते प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। एक UI 500 से ज्यादा पहुंच चुका है। लगातार 7 दिनों से राजधानी दिल्ली में धुंध की घनी परत छाई हुई है। हमें सांस लेने में और आंखों में दिक्कत होती है। में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ऐसा लगता है जैसे आंखों में जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स तक में प्रॉब्लम हो रही है और बड़े बूढ़ों को तो सांस भी नहीं आ रहा है। ये प्रदूषण जितना सेहत के लिए नुकसानदायक है उतना ही आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन डीजल वाहन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। शहरों में काम कम होने से पलायन बढ़ता है, मजदूरी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ऐसे में इसका असर सीधे तौर पर इकोनॉमी पर पड़ता है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैब 4 लागू किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को ऑनलाइन चलाया जा रहा है, वहीं दफ्तरों के टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि कई कोशिशों के बावजूद AQI में कोई सुधार नहीं हो सका है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 488 पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे और मास्क बांटते हुए दिखाई दिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है ये धुंध की चादर को केवल कृत्रिम बारिश ही साफ कर सकती है, लेकिन गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली सरकार के अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ये मनोज तिवारी इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। शशि थरूर ने तो एक पोस्ट कर ये सवाल तक उठा दिए कि क्या दिल्ली को देश की राजधानी कहना चाहिए या नहीं। दरअसल दिल्ली में ठंड के दिनों में ये समस्या हर साल पैदा होती है क्योंकि ठंड के दिनों में धुंध और कोहरा गर्म हवा की परत के नीचे जमीन के पास फंस जाता है, ऊपर फैल नहीं पाता, इसीलिए प्रदूषण के कण इसमें फंसते चले जाते हैं और फिर पराली को भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह माना जाता है। 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक अकेले मध्य प्रदेश में ही 8,917 पराली जलाई गई। ये संख्या पंजाब हरियाणा से भी ज्यादा है। राजधानी में धान की फसल के बाद अब पराली जलाने का सिलसिला राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। राजधानी के ईंटखेड़ी इलाके में आपको तस्वीर दिखा देता हूं, देर रात यहां पे किसानों ने किस तरीके से पराली जलाई और यह पूरी तरीके से राख हो गया। पर्यावरणविद पराली को प्रदूषण का मेन कारण मानते हैं। स्टडी हुई है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्टडी की गई है और बड़े रिसर्च लेवल पर भी ये बात आई है कि ये जिम्मेदार तो है कुछ हद तक। जो ट्रैफिक है बढ़ रहा है वो भी जिम्मेदार है, पोल्यूशन जो हो रहा है डीजल और पेट्रोल में जो मिलावट हो रही है वो भी जिम्मेदार है, और सबसे बड़ी बात है आपकी लाइफस्टाइल में आपको सोचना पड़ेगा कि प्रदूषण रोकने के लिए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि हर साल करीब 82 लाख लोगों की मौत केवल प्रदूषण के कारण हो रही है। भारत के 145 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग खतरनाक हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन इन 90 करोड़ लोगों में से ही केवल कुछ लोगों को प्रदूषण को लेकर चिंता है। ऐसे में प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में आम आदमी को भी सोचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली और भोपाल में दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण पर पार पाना आसान नहीं है।
बेतहाशा बढ़ती गाड़ियां, तेजी से हो रहे निर्माण और बढ़ते उद्योगों ने प्रदूषण की समस्या को विकराल कर दिया है और अब जरूरत है जनता में जागरूकता के साथ ही सरकारी बंदिशें सख्ती से लागू करने की। इसी से थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वरना बड़े शहरों में साफ स्वच्छ हवा अब सपनों की ही बात हो जाएगी।